12 घंटों से भूखे चीते क्या खाएंगे, नामीबिया से ही भारत क्यों लाए गए चीते, 70 साल बाद देश की धरती पर लौटे चीते, कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों रखा गया, 110 किलोमीटर की रफ्तार, चकमा देकर करता है शिकार, क्या होती है इनकी ताकत। भारत कभी चीतों का घर हुआ करता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हमें दूसरे देशों से चीते मंगाने पड़े हैं। चीते आज़ादी के वक्त ही हिंदुस्तान से पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। 1947 तक देश में 3 चीते थे जिन्हें एक शिकार में मार दिया गया था। इसके बाद माना गया कि भारत से चीतों का पूरी तरह खात्मा हो गया और 1952 में चीतों को भारत से विलुप्त घोषित किया गया। 70 साल बाद पीएम मोदी ने देश की धरती पर एक बार फिर से चीतों को बसाने का मिशन शुरू किया है। 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। अफ्रीकी देश नामीबिया से आए 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर भारत आए हैं। मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच है, जबकि नर चीतों की उम्र 4.5 से 5.5 साल के बीच है। इन चीतों को 1 महीने तक क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाएगा और इस दौरान 2-3 दिन में इन्हें खाने के लिए 2-3 किलो ही मीट दिया जाएगा। हिमालय वाला इलाका छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां भारत में चीते न पाए गए हों। ईरान अफगानिस्तान में तो अभी भी एशियाई चीते पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका के नामीबिया से चीते इसलिए आए हैं क्योंकि वहां दिन और रात की लंबाई ठीक वैसी ही होती है जैसी कि हिंदुस्तान में है और यहाँ का तापमान भी अफ्रीका से मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, जो चीतों के लिए मुफीद है। विध्यांचल पर्वत श्रृंखला पर बसा मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क एमपी के श्योपुर और मुरैना जिले में पड़ता है। सवाल ये भी है कि चीतों के लिए एमपी के कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया। दरअसल 748 वर्ग किलोमीटर में फैले कूनो नेशनल पार्क को 10 जगहों के सर्वे के बाद फाइनल किया गया है। एमपी में पुनर्वास का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है। चीतों को अच्छे शिकार की जरूरत होती है और कूनो नेशनल पार्क में छोटे हिरन और सुअर की घनी आबादी मौजूद है और पूरे पार्क में चीतल, सांबर और नीलगाय की संख्या करीब 25,000 है, यानी चीतों को खाने की कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क को ही चुना गया। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है, लेकिन वो बहुत लंबी दूरी तक तेज गति से नहीं दौड़ सकता। 0 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में चीतों को सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं। चीता रात में शिकार नहीं करता है और ज्यादातर वक्त सुस्ताने में गुजारता है। मुगलों को चीते पालने का शौक था और वो अपने साथ चीतों को शिकार पर ले जाया करते थे। बताया जाता है अकबर के शासनकाल में भारत में 10,000 चीते थे। अभी भारत की धरती पर सिर्फ 8 चीते आए हैं, लेकिन आने वाले सालों में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी और चीतों की संख्या को 50 तक पहुंचाया जाएगा। अभी ये चीते क्वारंटाइन में रखे जाएंगे ताकि भारत के मौसम के आदी हो जाएं। इसके बाद इन चीतों को खुले जंगलों में छोड़ा जाएगा, तब जंगल सफारी के दौरान आम लोग इन चीतों को देख पाएंगे। कूनो नेशनल पार्क के पास के गांव में वन विभाग ने चीतों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को चीता मित्र बनाया है। इसका मकसद ये है कि ग्रामीण चीता और तेंदुए में फर्क को समझे। गांव वालों को बताया जा रहा है कि इंसानों को चीतों से कोई खतरा नहीं है क्योंकि चीते कभी इंसान पर हमला नहीं करते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।